स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। अभी हम मनेर विधानसभा के पीहटा में पहुंचे हुए हैं। ये चौराहा है, आप देख रहे हैं, अगल बगल के हर लोग जाते हैं। यहाँ हमारा लिट्टी का दुकान है। आइए चलते हैं, भाई लोगों से जरा बातचीत करते हैं। क्या भाई जी, ठीक ठाक? एकदम भैया, बेस्ट है। तो अब गुस्साए हुए लग रहे हैं? ना गुस्साए ना, थोड़ा ठीक है। कैसा टेस्ट है लिट्टी का? बहुत बढ़िया टेस्ट है भैया। हमेशा जब मैं बीटा आता हूँ यहाँ लिट्टी खाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहा हो लिट्टी वाले भैया, क्या नाम है? हमारा नाम मुन्ना है। ए मुन्ना भैया, कैसे प्लेट? 20 रुपया प्लेट बा। 20 रुपया प्लेट, पटना में भी ही 20 रुपया प्लेट यहाँ भी। भाई जी जी, आपका परिचय? आनंद। आनंद जी, मनेर विधानसभा में आए हुए हैं, कुछ खास बता दीजिए यहाँ का। मनेर विधानसभा बहुत पहले से ही बहुत प्रचर्चित रहा है। मनेर का लड्डू बहुत नामी रहा है शुरुआत से ही। हाँ हाँ, मनेर का लड्डू जो मोटे मोटे बैठते थे, सिनेमा उनेमा में भी काम करते थे। उसके बाद जो मनेर विधानसभा में आता है बेटा, जो आपका बहुत ज्यादा डेवलप करने वाला इलाका। इधर सुन रहे हैं कि मतलब पढ़ाई लिखाई में भी एजुकेशनल हब बनते जा रहा है। एजुकेशनल हब यहाँ IIT कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल है, ESIC है, मतलब टोटल कहिए कि एजुकेशन हब या मेडिकल हब अब बिहटा को माना जा सकता है। मतलब जो चीज बिहार के राजधानी पटना में है लगभग वो चीज यहाँ भी आ चुका है। कम डिस्टेंस में यहाँ एयरपोर्ट पूरा डेवलप होने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना वाला यहीं शिफ्ट होने वाला है, उसका भी तैयारी चल रहा है, उसकी भी यहाँ काम चल रहा है जोरों शोरों से। मतलब कहने का मतलब कि आने वाले समय में कहीं से पटना से कम ये नहीं रहेगा यहाँ के युवा। भाई जी आराम से लिट्टी पर मत बैठिएगा। क्या नाम हुआ? अजय कुमार। अजय जी क्या करते हैं? बिजनेस भी है पॉलिटिक्स में। अच्छा, पॉलिटिक्स भी करते हैं। बिजनेस किस चीज का है? बिजनेस है मेरा, एजेंसी है आइसक्रीम वगैरह का। अच्छा आइसक्रीम, हाँ हाँ हाँ, गर्मी में आइसक्रीम खाने का मजा। तो क्या वो ठेला आपका निकलता है? हाँ निकलता। चलिए ये हुआ धंधा के बाद, और वो वाला धंधा कौन पार्टी से? JDU से। JDU से नीतीश जी के साथ? हाँ। है क्या बात, कैसा काम किए हैं इधर? यहाँ तो हब के रूप में विकास ही विकास की धारा बह रही है। और थोड़ा इधर से भाई लोग से बात करते हैं। भाई जी, एकदम पूरा पलथी उलथी मार के बैठे हुए हैं, क्या खाना पीना हो गया? लिट्टी उट्टी खाए? बस अभी खाने ही वाले हैं। हाँ, ये हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। किसी लिट्टी के दुकान पर बैठ गए, लिट्टी वाले मुन्ना भैया से बातचीत कर लिए, लिट्टी का टेस्ट देख लिए, दाम जान लिए, जो दाम पटना में वो दाम यहाँ। आप खाएंगे आप लोगों से बातचीत करके? जी। क्या करते हैं? अभी तो हम लोग का एजुकेशन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है। पढ़ाई लिखाई जी। कैसा है आपके घर में बिजली है? एकदम बिजली है। पानी पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। रोड ठीक ठाक है? एकदम ठीक ठाक है। हमारा तो सब ठीक। गांव की अभी दयनीय स्थिति है थोड़ा, लेकिन शहर का कंडीशन पहले से अच्छा है। क्या लग रहा है यहाँ के जो स्थानीय विधायक कौन है? यहाँ का तो स्थानीय विधायक हम लोग का भाई वीरेंद्र है, जो RJD से है। हाँ, उनका काम पिछले कुछ सालों से खराब चल रहा है। यहाँ से 2-3 साल से 2-3 टर्म से जीत रहे हैं जी जी, तो कोई भी टर्म उनका सही नहीं रहा है। अगर पिछले 5 साल का टर्म देख लिया जाए तो और कंडीशन बद से बदतर हो गया है। जैसे आप बेटा स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, जो यहाँ पर सरकारी अस्पताल है उसका कोई देखने वाला नहीं है। थाना में देख लीजिए, वैसा ही भ्रष्टाचार है। कैसा माहौल है यहाँ? माहौल ठीक ही है। ठीक है, मतलब पानी बिजली जो मूलभूत सुविधा जो होता है आम जनता के लिए, पानी बिजली सब ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार का जो शराबबंदी है बिल्कुल फ्लॉप है। अच्छा, मतलब शराबबंदी नहीं करना चाहिए नीतीश कुमार को, शराब पीते रहना चाहिए? शराबबंदी करना चाहिए, लेकिन वो बंदी नहीं है, वो बंद नहीं है। शराबबंदी नहीं है, शराब बिक रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट भाई जी, कोरोना काल है, थोड़ा दूर है, थोड़ा मतलब कहने का मतलब हम थोड़ा गड़बड़ा गए थे, हमको लगा ना कि कई लोग कहते हैं कि शराब बंद करके अच्छा नहीं किए, वो ठीक काम किए, लेकिन जिस कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए वो नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। तो क्या यहाँ भी आसानी से मिल जाता है? एकदम आसानी से मिल जाता है, चलिए मतलब आपको दिलवाते हैं। हाय महाराज, ये सब डिपार्टमेंट नहीं है मेरा, ये सब डिपार्टमेंट नहीं है, शराबबंदी के नाम पे ठगा है। हम युवाओं के लिए एक भी काम ऐसा जो है पिछले 15 साल में जो RJD के यहाँ विधायक रहे, माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी रहे हैं, हम युवाओं के लिए कोई आवाज नहीं उठाए। मतलब 15 साल से उधर नीतीश जी हैं, अब 15 साल से भाई वीरेंद्र हैं। समस्या समीकरण तब बनेगा कि दोनों तरफ का टाई अप हो। जैसे लोग कहते हैं ना कि डबल इंजन, यहाँ वहाँ मैच है तो धक्का धुकी करके काम निकल जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री और ये यहाँ के जो MLA हैं उन लोगों में टाइमिंग नहीं बन पा रहा है, या यहाँ के जो विधायक है उनकी अपनी इच्छा नहीं है कि भाई हम काम करवाएं। देखिए, हम लोग तो युवा हैं और युवा को हम मूलभूत मूल हम लोग के मूल रूप से रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो कि हमारे विधानसभा में बिल्कुल ये चीज़ नहीं है। हम
जीजे कॉलेज में रामबाग में पढ़ते थे, हम लोग पीजी की मांग कर रहे लगातार, पीजी के लिए हर जगह आश्वासन मिल जाता है, यहाँ तक कि हम लोग गवर्नर के पास भी पत्र भी लिख करके दिए हैं कितने बार, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। क्या मतलब इतने बड़ा विधानसभा में कि पीजी कॉलेज नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, हम लोग को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, पढ़ लिख करके हम लोग लिट्टी बेचेंगे चाय बेचेंगे, इससे हमारी समस्या दूर हो जाएगी? नहीं होगा। हमारी मेन मांग है, कोई सरकार किसी की भी आए, हम युवाओं को रोजगार चाहिए, हम युवाओं की शिक्षा चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सही होना चाहिए। मनेर विधानसभा में किसी का सरकार है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवा है, उन लोगों के लिए रोजी रोटी का व्यवस्था होना चाहिए, रोजी रोटी का, जो कि यहाँ एकदम माइनस में है। ये लगभग यहाँ जितने बैठे हुए सारे यूथ हैं। आइए, इधर भी एक दो लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। भाई, क्या करते हैं आप? हम पटना एन कॉलेज के छात्र, पीजी के छात्र हूँ, और अभी हम युवाओं की बात करेंगे। और यहाँ मुझे घर होते हुए मुझे पटना जाना पड़ रहा है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। और दूसरी चीज़ की सरकार को टेक्निकल कोर्सेज के फी को सस्ता करना चाहिए। आजकल हिस्ट्री ज्योग्राफी लोग पढ़ रहे हैं और उनसे कुछ फॉर्म भर पा रहे, मगर टेक्निकल हर चीज़ में टेक्निकल डिग्री, कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। तो कंप्यूटर का जो भी कोर्स हो सस्ते दामों में प्रोवाइड हो, जिससे युवाओं को रोज़गार मिले, उनको तकनीकी बढ़े और कुशल जो होके तो उनको रोज़गार मिल सके। आप जाइएगा तो क्या, बस डिग्री नहीं है तो क्या है, तो बच्चे आर्ट्स किया, हिस्ट्री किया, ज्योग्राफी किया, और उसको कहीं यूज नहीं है, सिर्फ डिग्री है तो एमए कर लिए, और एमए कर लिए तो फ़ायदा कि उसको व्यवस्था में लाइए ना। तो टेक्निकल डिग्री को बढ़ावा देना चाहिए, और कम दामों में, और बहुत ही गरीब परिवार 4 लाख 10 लाख 20 लाख कहाँ से लाएगा लोग, तो इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल ये सब खत्म करना चाहिए। चलिए, ये सब जो है बेरोजगारी का समस्या यहाँ ज़बरदस्त है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ करके का फायदा, जिससे कोई रोजगारे नहीं मिले, उसके नाम पर कोई, जैसे कलाकार लोग बार बार कहता है कि भैया डॉक्टर का पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, और नाटक का जो पढ़ाई करते हैं तो कुछ नहीं, नाटक रोडे पढ़ा जाता है, कोई रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं है, वो स्थिति यहाँ भी है। एक और भाई हैं जी, क्या नाम हुआ? सुजीत सरकार बिहारी। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? पढ़ाई के साथ साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। कैसा काम रहा इस आपके एरिया में? बहुत अच्छा रहा इस एरिया में काम। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक आपके हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ के विधायक बहुत काम किए हैं, यहाँ पे जो भी बीटा विकसित हुआ है उसमें सब में विधायक जी का हिस्सेदारी है। तो ये जो आपके उजला उजला पहन के बैठे हुए हैं, ये गलत बोल रहे हैं कि यहाँ इनका घर है, पढ़ाई लिखाई छोटे छोटे चीज के लिए दौड़ के पटना जाना पड़ता है, काहे भाई? हर चीज यहाँ खुला हुआ है। अब ये लोग को ऐसा लगता है विपक्ष के लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ए महाराज, स्टूडेंट हैं आप, पार्टी के एकदम पहन करके कह रहे हैं। चलिए ए भाई, हम बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या लग रहा है कि आप विपक्ष के तरफ से बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, हम अभी कोई सरकार के तरफ से नहीं है। एक अपना समस्या सुना है जी, स्टूडेंट छात्र के समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, हम एक संगठन। ये क्या कह रहे हैं, इनका यहाँ कैंडिडेट है राजद के, तो कह रहे हैं कि पार्टी आप लोग को बना दिए। देखिए, उनसे वो जुड़े हुए क्या बोले कि आरजेडी से जुड़े हुए हैं, आरजेडी का कैंडिडेट है, उनको अच्छा लग रहे हैं उनको वोट देंगे, हमको खराब लग रहे हैं हम वोट नहीं देंगे। अरे तो खराब ऐसी थोड़े लग रहा है, कोई समस्या है, समस्या है तब ना खराब लग रहे हैं। हम तो बोले उनसे पूछे ना कि स्टेडियम के निर्माण हुआ, स्टेडियम का निर्माण हुआ, स्टेडियम का निर्माण का कार्य यहाँ के राम कृपाल जी जो मंत्री हैं उन्हीं के चलते अटका हुआ है। आप 10 साल से एमपी हैं, क्या कर रहे हैं? एक मिनट, 10 साल से आप एमपी हैं? एक आई आई, हाँ 10 साल से एमपी, 10 साल से राम कृपाल जी एमपी हैं, 10 साल से वो क्या कर रहे हैं? 10 साल से अगर मानेंगे पीजी का मान्यता, कॉलेज का पीजी का मान्यता मांगे, एमपी से क्या नहीं बोलते हैं लोग, एमपी से क्यों नहीं बोलते हैं? एक एमपी के पास गए, आप मेरे साथ चलिए, भाई बीरेंद्र का बोर्ड लगा हुआ है, भाई बीरेंद्र बिल पास किए हैं, भाई बीरेंद्र बनवाने के लिए आश्वासन दिया, इसमें एमपी मंत्री का, मंत्री का कोई नहीं है। हाँ, आप उनके पास जाइए, आप सरकार के पास विधानसभा में आवाज उठाइए, अगर वो काम नहीं करते जब तब उनका जवाब दे। क्या कहना है कि आपके विधायक आवाज ही नहीं उठाए हैं? विधायक जी हर बार आवाज उठाते हैं, हर बार वो काम करते हैं, यानी कि जनता का होता है। आज तक मनेर विधानसभा में कोई विधायक ऐसा बताइए जो आवाज उठाता है? हर बार वही विधायक आवाज उठाते हैं मनेर विधानसभा के विधायक। महाराज, हर बार वो यहाँ के विधायक है तो हर बार उन्हीं को उठाना, कोई दूसरा विधायक यहाँ थोड़ा ही आएगा। ठीक है, लेकिन उनके आवाज में हो न हो दम नहीं है, ताकत नहीं है, जिसके कारण समस्या का समाधान नहीं। आज बीटा इतना विकसित है, कोरोना काल में
ठीक है कोई नेता नहीं निकला घर से, लेकिन आप सच्चे ही ऐसी जनता को होते तो क्यों नहीं निकलते, क्यों निकलते? सारे युवा रोड पे थे, हम जितने भी युवा थे सभी युवा लोग मिल करके यहाँ जो पलायन कर रहे थे रोड पर, सब लोग मिल करके मदद किए हैं। नेताजी कहाँ थे, सो रहे थे चादर ओढ़ के। कृष्ण युवा मंच जो मनेर में चलता है सामाजिक संगठन, उसके थ्रू भाई वीरेंद्र जी ने हमेशा गरीब गुरबों का मदद किया है। आप देखिए गायक सामाजिक संगठन मनेर में चलता है, उससे विधायक जी हर गरीब गुरबा को मदद, ये गलत कह रहे हैं। मेरा कहना यही है, आपके चैनल के माध्यम से हमको संदेश देना चाहते हैं, हर बिहारवासी जितने भी युवा है उनको संदेश देना चाहते हैं कि जिस दिन शिक्षा की व्यवस्था सही हो जाएगी आपको भी रोड पर नहीं आना पड़ेगा, हमको भी रोड पर नहीं आना पड़ेगा और नेता लोग को रोड पर भी नहीं जाना पड़ेगा, खुद के खुद विकास के आधार पर उनको वोट मिलेगा। ये हमारा शिक्षा के लिए मूल मूल व्यवस्था है। पूरे बिहार में 53% जो है यहाँ के लोग अशिक्षित है, 53% 50% भी लोग यहाँ पढ़े लिखे नहीं है। आप कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी यहाँ के विधायक को जाता है, विधायक नहीं पूरा बिहार सरकार को भी जाती है। विधायक के साथ एक बात हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, मनेर विधानसभा जो है जादो बहुल क्षेत्र है और आरजेडी का यहाँ गढ़ है। विधायक सोए हुए रहते हैं कि हमको अब जनता से मतलब नहीं है, हम जीत जाएंगे रोजगार, हम जीत जाएंगे। मतलब? लालू यादव आदि वो आदरणीय है, उनका सब कोई विश्वास करता है, आके हाथ हिला दिए वोट किसको पड़ेगा, तो भाई वीरेंद्र का ठीक है ना, तो बस उतने में जनता पगला गया, वो तो सुतल है आराम से। कहने का मतलब देखिए साफ बात आ रहा है कि यहाँ आपका मेजोरिटी है, आपके वोट बैंक का मेजोरिटी है, जिसके कारण जिसे आपके सामने कह रहे हैं कि भाई एक बार हाथ हिला दिया वोट हमको मिलेगा तो हमको मेहनत करने का क्या जरूरत, अब बताइए। ऐसा आज तक विधायक मनेर में नहीं हुआ है जो हर घर घर के लोग भाई वीरेंद्र को पहचानता है भैया, क्योंकि सब घर उनका अपना है, सब घर उनका अपना है, मानते हैं सब घर उनका है, तो घूम रहे हैं ना उस क्षेत्र में है ना, जो पॉलिटिक्स घूमने से क्या होगा, घूमने से क्या होगा। आरजेडी का महासचिव अशोक गोप जी हैं मनेर के, हैं जाकर देखिए विरोध कर रहे हैं, अपने ही पार्टी का विरोध, पार्टी के विरोध कर रहे हैं लोग, उनके पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। बताइए अपने ही पार्टी के लोग अपने ही नेता का विरोध कर रहे हैं। बताइए भैया एक गांव में चार गो लोग रहता है तो चारों लोग विरोधी होता है नहीं, उसका विरोध, अरे विरोध सब ना होगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ नहीं हो रहा है, भाई वीरेंद्र अच्छा है, भाई वीरेंद्र सच्चा है और भाई वीरेंद्र ही मनेर के विकास करेंगे, दूसरा कोई मनेर का विकास नहीं कर सकता। विकास तो कहां विकास है, अरे भैया बीता में इतना कुछ हुआ, मनेर के लोग, मनेर के जो लोग अभी रिंग रोड का लेकर के रोड पे आए हैं, अगर विकास करते हैं तो मनेर के लोग रोड पे आते हैं, क्यों रोड पे आते हैं बताइए, उनसे पूछिए जाकर। संगम जो है त्रिवेणी संगम, वहाँ पर गंगा और एक गंगा और एक सोन नदी मिलती है, वहाँ पर संगम है, आज तक उसका विकास हुआ। हमारे एक अभी युवा उभरते हुए कुश कुमार जो दावा कर रहे हैं कि हम मनेर विधानसभा से लड़ेंगे, निर्दलीय या कोई पार्टी से लड़े, वो बेचारा जाके संगम के लिए लड़ रहा है, वहाँ का रोड देखिए, मनेर से जो संगम पर रोड जाता है अभी तक नहीं बना, जाम से जुझ जाता है, आदमी मर जाता है गर्मी के दिन। आप बताइए रोड में, भैया रोड में काम लग गया है और संगम के लिए तो हमको, अरे कब लगेगा, 15 साल हो गया लगा हुआ है भैया मनेर वाला रोड में, जाके आप देख सकते हैं लगा हुआ है, कम दिन काम लगा हुआ, काम नहीं लगा हुआ, स्मार्ट सिटी के नाम पर छलावा हो रहा है। अभी अभी आप जाइएगा मनेर जो हल्दी छपरा संगम पे रास्ता जाता है, समझाइएगा इतना लोग, अरे आप भैया जाके देख सकते हैं मनेर हल्दी छपरा जो संगम स्थिति हो गया है, मनेर का एकदम दयनीय स्थिति, रोड चलना मुश्किल हो गया, बरसात होता है तो पटना का एकदम होता है की मनेर का पता चला गंदी का लड्डू खाने भी नहीं जाएगा मनेर का, मनेर तो मनेर भैया ऐसा है की हर कोई जाता है, वो प्रसिद्ध जगह है और मनेर को देख लीजिए, अरे तो साफ सस्ता रोड वगैरह भी तो ठीक होना चाहिए, सब ठीक है भैया, पर्यटक स्थल होने के बावजूद भी कोई लोग नहीं आता, मनेर के लड्डू का नाम लोग भूल गए हैं, क्या आपको लग रहा है धीरे धीरे मनेर का लड्डू का नाम लोग भूल रहे हैं? भूल नहीं भैया, मनेर में आज भी बीटा में भी मनेर का लड्डू प्रसिद्ध हो गया, बीटा में भी बिक रहा है लड्डू, मनेर में भी बिकता है और मनेर में मतलब इतना यूथ जो बोल रहे हैं, जाके देखे ना जो यूथ बोल रहा है उसको लेके जाइए, इतने से विकास नहीं हो जाएगा, यहाँ के लोग लड्डू खा के विकास नहीं करेंगे, यहाँ के लोग शिक्षित होकर विकास करेंगे, जो लोग पढ़े लिखेगा नहीं तो कहाँ से रोजगार आएगा उसको, पर बिना पढ़े लिखे किया जा रहा है, सुन लीजिए छलावा किया जा रहा है, सब जगह छलावा है, ये जगह जो मनेर विधानसभा भैया चुने जाते हैं, जातीय समीकरण से चुने जाते हैं, जाति समीकरण से नहीं, जो बिकर भाई साथ साथ एक मनेर की प्रॉपर धरती से ही यहाँ विधायक, जब से आजादी हुई है एक बार छोड़ के 5 बरस मनेर की धरती से ही विधायक, जिस दिन विधायक बिहटा की धरती से होगी उस अच्छा, दिन के जो भी विधायक यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं है, नहीं। मनेर से है वो काम करते हैं भैया, अब जाके भाई वीरेंद्र के बारे में पता चलिए, ये आप लोग खुद बात कर लीजिए, एक मिनट खुद बात कर लीजिए, एक मिनट नीतीश कुमार जी के बारे में, हमको भी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा नीतीश कुमार जी के बारे में बता देते हैं भैया, सब ठीक है भैया, आज तक आजादी के बाद ऐसा सरकार नहीं आया है, किसी भी पार्टी में दम नहीं है, मूलभूत सुविधा के नाम पर
चुनाव लड़ने नीतीश का ही देन है कि एक भी मूल सुविधा यहाँ से सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली है। चलिए 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 भैया भैया, कहने का मतलब ये है एक कैसा सुशासन है भैया। ठीक है, देखिए काम करके दिखाइए, काम करके दिखाइए।